नमस्कार, मैं डाइटिशियन चारू शर्मा। बेस ऑनलाइन के दर्शकों का खास स्वागत है। आज का वीडियो हमने खासकर बेस ऑनलाइन के दर्शकों के लिए तैयार किया है। आज का हमारा विषय रहेगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज। मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस 15 सालों से ज़्यादा का है। जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं आज तक डायबिटीज के, या तो उसमें टाइप 1 के डायबिटीज पेशेंट्स हैं या टाइप 2, यानी कि या तो बच्चों में डायबिटीज पाई जाती है या अडल्ट में, जिसको हम टाइप 1 होते हैं जो बच्चों में पाई जाती है यानी कि जुवेनाइल डायबिटीज, और जब अडल्ट में हम देखते हैं डायबिटीज तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। चाहे डायबिटीज बच्चों में हो या फिर बड़ों में हो, उसका खास कारण ये रहता है कि जब हमारे शरीर में जो पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है एक हार्मोन, या तो उसका अपटेक उतना अच्छा नहीं है या वो उतना अच्छा बन नहीं रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और हमें डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज होने के कारण बहुत सी और तकलीफें हैं जिसको कि एक इंसान फेस कर सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई भी मीठी चीज़ें अवॉइड करिए, जैसे कि आपकी शुगर हो गई या हनी है, गुड़ है जिसको जैगरी भी कहते हैं, उसको अवॉइड करिए। कुछ एक रिफाइंड सीरियल्स हैं जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि ब्रेड है, पास्ता, नूडल्स, ये आप अवॉइड करिए ताकि आपके शरीर में उतना शुगर कंटेंट नहीं रहे। शुगर कंटेंट को बैलेंस करने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारी बॉडी में फाइबर कंटेंट पूरा रहे, जो कि हमें सब्जियों से, फलों से मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि फलों में शुगर कंटेंट नहीं है, फलों के शुगर कंटेंट को हम कहते हैं फ्रक्टोस। उसको बैलेंस आउट करने के लिए प्लीज खास करके ध्यान रखिए कि जितने मीठे फल हैं जैसे कि चीकू, आम, केला, अंगूर, लीची इत्यादि, इन फलों को कम से कम अपनी डाइट में रखिए। बाकी फलों का आप सेवन बढ़ा सकते हैं, जैसे सेब, संतरा, मौसमी, तरबूज, इनका आप सेवन बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा छिलके वाली दालें, अनाज जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा छिलके हैं, जैसे कि गेहूं के साथ, चोकर के साथ आप गेहूं को कंज्यूम करिए। मैदा, सूजी या आप सेवई, इन सब का सेवन कम से कम करिए। चावल का सेवन कम से कम करिए। कोशिश करिए कोई भी तली हुई चीज़ें ना खाएं। कोशिश करिए कि जितने भी आपके कन्वीनियंस फूड हैं या जो मार्केट की प्रेपरेशन हैं वो कम से कम करें या बिल्कुल ना करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सैर करेंगे उतना आप शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं, और कोशिश ये करें कि इन सब के साथ साथ आप पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। प्रोटीन आपको दालों से, दूध, दही से मिल सकता है, पनीर से मिल सकता है और आपके नॉनवेज से। नॉनवेज में आप चिकन, फिश या अंडा कंज्यूम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।